हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 9 शुरू करेंगे, साइकोलॉजी ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड प्रिजुडिस। तो इसमें हम थोड़ा सा सोशल कॉन्फ्लिक्ट और सोशल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने सोशल साइकोलॉजी में पढ़ी थी, जैसे प्रिजुडिस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो कुछ चीज़ें इसमें भी आएंगी। तो सोशल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, मतलब कि सोशल सोसाइटी में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके लिए हमें सोशल इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ता है और क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सोशल इंटीग्रेशन होता है क्या है। अब जैसे इंडिया जो है, इंडिया में सोशल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मल्टी कल्चरल कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं। तो ये जब बहुत ज़्यादा वो होती हैं, बहुत वैरायटीज होती हैं कल्चर में, कास्ट में, तो उस टाइम सोशल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर सोशल इंटीग्रेशन नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे आपस में लोगों के। सोशल इंटीग्रेशन है क्या चीज़? सोशल इंटीग्रेशन रेफर्स टू एन अटेम्प्ट मेड टू रिड्यूस सोशल टेंशन एंड क्रिएट अ कॉमन आइडेंटिटी अमंग मेम्बर्स ऑफ अ सोसाइटी। तो ताकि आपस में लोगों की सोशल टेंशन ना हो, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कल्चर के लोगों की आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, टेंशन्स ना हो, इसीलिए सोशल इंटीग्रेशन ज़रूरी हो जाता है। और इसमें किया क्या जाता है, कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाती है। कॉमन आइडेंटिटी मीन्स जैसे हम सब एक कॉमन आइडेंटिटी हम सब की क्या है कि हम सारे इंडियंस हैं। तो जब इस तरह की एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाती है किसी भी मेंबर ऑफ सोसाइटी के, तो उनके अंदर सोशल इंटीग्रेशन आ जाता है, एक यूनिटी आ जाती है। तो जब सोशल इंटीग्रेशन करते हैं तो सारे सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं उन सबको एक कॉमन आइडेंटिटी दे दी जाती है ताकि उनके अंदर यूनिटी आ जाए। और वही चीज़ अगर हम पूरे नेशन के लोगों में करते हैं, इफ़ यू सीक टू क्रिएट अ कॉमन आइडेंटिटी अमंग मेंबर्स ऑफ अ नेशन, इट इज़ कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन, और उसको फिर हम नेशनल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी दे दो तो उनके अंदर आपस में यूनिटी आ जाती है। जैसे आप किसी ग्रुप के मेंबर हो और ग्रुप के अंदर भी आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे कोई आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो और आप एक क्लास में हो और क्लास में भी अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन अगर उनको हमेशा ये चीज़ याद दिलाई जाए कि आप इस स्कूल के मेंबर हो, आप इस स्कूल के स्टूडेंट हो, आप इस क्लास के स्टूडेंट हो, आप अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करते हो, तो उन सब के अंदर एक यूनिटी बनी रहती है कि हम सब लोग जो हैं एक ही हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और सोशल इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि सोशल टेंशन्स कम हो सके, प्रिजुडिस कम हो सके। प्रिजुडिस मतलब जो हम एक दूसरे के अगेंस्ट जो नेगेटिव सोचते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस हो जाती है, उनके लोगों के लिए बहुत डेंजरस हो जाती है। और इंटीग्रेशन से क्या होता है, कॉमन कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, कॉमन वी फीलिंग आ जाती है, जिसको मैंने बोला यूनिटी आ जाती है, इसीलिए इंटीग्रेशन करना ज़रूरी होता है। अब इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है, कॉमन आइडेंटिटी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि हमारी तो खुद की एक आइडेंटिटी होती है, फिर ये कॉमन आइडेंटिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई कहता है कि मैं एक आई एम एन ओडिया बाय लैंग्वेज, मैं ओडिया हूँ लैंग्वेज से, आई एम एन आर्यन बाय रेस, मेरी रेस आर्यन है, आई एम एग्नोस्टिक बाय रिलीजन, अ हिंदू बाय कल्चर एंड खंडायत बाय कास्ट। तो अगर इस तरह से कोई अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहा है तो वो सोचो अपनी कितनी सारी आइडेंटिटीज़ आपको बता रहा है। वो अपने लैंग्वेज के थ्रू एक अलग आइडेंटिटी बता रहा है, उसकी रेस के थ्रू अलग आइडेंटिटी बता रहा है, रिलीजन, कल्चर, कास्ट और जेंडर, तो ये सारी एक ही पर्सन की आइडेंटिटी है। मतलब एक ही पर्सन में कितनी सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं। पर सोशल इंट्रैक्शन जब आप करते हो दूसरों के साथ तो आपको इन सारी आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस टाइम सिर्फ आपको अपना नाम ही काफ़ी होता है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज़ कर रहे हो। देर इज़ ओनली वन मैनिफेस्ट आइडेंटिटी एट वन टाइम, मतलब आपको एक टाइम पे एक ही आइडेंटिटी चाहिए होती है। अगर आपसे कोई स्पेसिफिकली पूछता है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, तब आप अपनी लैंग्वेज वाली आइडेंटिटी बताते हो। अगर कोई स्पेसिफिकली आपसे पूछता है कि आप कौन से कल्चर से हो, तब आप अपनी कल्चर वाली आइडेंटिटी बताते हो।
अगर आपसे कोई जनरल इंट्रोडक्शन मांगता है तो आप सिर्फ अपना नाम बताते हो, तो ये हम अपनी एक ही आइडेंटिटी एक टाइम पे यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेन असामीज पीपल मोबिलाइज अगेंस्ट बंगाली पीपल इन असाम, वन ग्रुप वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी अगेंस्ट अनदर ग्रुप. तो ये बता रहे हैं कि जब असामीज ने बंगालीज के अगेंस्ट मोबिलाइजेशन करी थी असम में, तो वो दोनों ग्रुप लैंग्वेज के बेस पे बने थे. एक वो ग्रुप था जो असामीज बोलता था और दूसरा ग्रुप था जो बंगाली बोलता था. लैंग्वेज की आइडेंटिटी के बेस पे दो ग्रुप बन गए थे. बट लेटर व्हेन द असामीज पीपल एजिटेटेड अगेंस्ट इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स टू असम, देयर मैनिफेस्ट आइडेंटिटी वॉज इंडियन वर्सेज एलियन. और बाद में क्या हुआ, जब वही असामीज पीपल थे जिन्होंने इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के अगेंस्ट मूवमेंट करी थी, तो उस टाइम पे उनकी आइडेंटिटी लैंग्वेज के बेस पे नहीं थी. उस टाइम पे वो अपनी आइडेंटिटी एज एन इंडियन दिखा रहे थे. तो अपनी कौन सी आइडेंटिटी कब शो करनी है, उससे हमें मतलब ये पता चलता है कि हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, लेकिन हम सारी आइडेंटिटी एक साथ नहीं अपनी यूज़ करते हैं. सोशल इंटीग्रेशन का एम क्या है, टू मेक अ कॉमन मैनिफेस्ट आइडेंटिटी अमंग डाइवर्स सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन. तो सोशल इंटीग्रेशन का एम है कि सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी बना दो, ताकि उनमें आपस में इंटीग्रेशन हो जाए, आपस में उनकी यूनिटी बन जाए. अगर आप उनको कॉमन आइडेंटिटी दे दोगे तो वो सारे आपस में यूनाइट हो जाएंगे. अब जैसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अपने आप को डिफाइन करना हो कि आप कौन हो, तो आप कैसे करोगे. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, अपना खुद का ऑथर ने एग्जाम्पल दिया हुआ है. जैसे इनका नाम है समर्क स्वैन, तो इन्होंने लिखा आई एम समर्क स्वैन, आई एम सन ऑफ मध्यधर स्वैन, आई एम अ ब्यूरोक्रेट टैक्स कलेक्टर, आई एम एन इंडियन, आई एम एन उड़िया, आई एम रेजिडेंट ऑफ भुवनेश्वर, आई एम ए हिंदू. तो ये सारी इनकी आइडेंटिटी है. तो जब हम इस तरीके से अपने आप को डिफाइन करने लगते हैं, तो हमारी बहुत सारी आइडेंटिटी निकल के आती है. वी सी दैट इंडिविजुअल्स इंडियन आइडेंटिटी इज स्ट्रॉन्गर देन उड़िया आइडेंटिटी. अब इन सारी आइडेंटिटीज में हम देखते हैं कि हमारी जो इंडियन आइडेंटिटी है ना, ये सबसे बड़ी है. बेशक आगे कोई उड़िया है, कोई असामी है, कोई बंगाली है, जो भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता. हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या है कि हम सब इंडियन हैं. अ मेजॉरिटी ऑफ अ नेशन हैव देयर नेशनैलिटी इंडियन हेयर एज देयर मैनिफेस्ट आइडेंटिटी अ वी फीलिंग डेवलप. और अगर हम इसी फीलिंग को और ज़्यादा मैनिफेस्ट होने दें, यानी कि इसी फीलिंग को और बढ़ने दें, और ज़्यादा डेवलप होने दें अंदर ही अंदर सबके कि वो इंडियन है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वी फीलिंग डेवलप हो जाएगी. और जो हमारे अलग अलग कास्ट का, रिलीजन का, रेस का वजह से हमारी जो आइडेंटिटीज है वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, और उनकी वजह से कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं होगी. तो इस तरीके से हम कॉमन आइडेंटिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ताकि जो हमारी छोटी छोटी इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी है वो इतनी इम्पॉर्टेंट ना रहे. फिर आता है ग्रुप फॉर्मेशन एंड फेवरेटिज्म एंड फैनेटिसिज्म. तो ग्रुप फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें ग्रुप्स के बारे में भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब हम सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं. तो इसमें सबसे पहले ये पूछ रहे हैं, व्हाट इफ द मैनिफेस्ट आइडेंटिटी ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ बीइंग ओडिया इज रेदर देन बीइंग इंडियन. मतलब अगर ऐसा कभी आपको दिखे कि कोई एक छोटा ग्रुप है लोगों का, उनकी जो आइडेंटिटी है वो अपने आप को ओडिया बोलते हैं रेदर देन बीइंग इंडियन, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, जो उनकी खुद की स्मॉल आइडेंटिटी है. वो अपने आप को एज एन इंडियन बाद में देखते हैं, पहले वो अपने आप को एज ए उड़िया देखते हैं. तो उस टाइम क्या होगा, कैसे सोशल इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि वो तो अपने अंदर की वी फीलिंग जो है वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे. क्योंकि जैसे सपोज दूसरे कल्चर के लोग होंगे वहाँ पे, अब अगर वो अपने आप को इंडियन नहीं बोल रहे हैं पहले, और पहले बोलते हैं कि हम पर्टिकुलर एक अपने रिलीजन के हैं, तो वो एक इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं सकती. तो उस केस में क्या होता है कि इस तरह के लोग हो जाते हैं इकट्ठे, जो अपने आप को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी दे देते हैं जो दूसरों की नहीं होती है. उनका आपस में एक दूसरे के लिए फेवरेबल एटीट्यूड हो जाता है. ग्रुप ऑफ ओरिया शॉविनिस्ट डेवलप ओरिया, इट इज़ शॉविनिस्ट मीन्स जैसे जो लोग उसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ उनका एटीट्यूड होता है.
और अदर ओरियंस बट नॉट टू नॉ. अब उससे क्या होगा, जो नॉन ओरिया इंडियंस होंगे उनके साथ इनका एटीट्यूड जो होगा बहुत अनफेवरेबल हो जाएगा. उनको ये आउट ग्रुप की तरह देखेंगे. मतलब ये हो गया कि ये जितने भी वहाँ के ओरिया लोग होंगे उनको तो वो अपने ग्रुप मेंबर की तरह देखेंगे, और जो नॉन ओरिया होंगे उनको ये आउट ग्रुप की तरह देखेंगे. वो इनके ग्रुप के बाहर हो जाएंगे वो लोग जो नॉन ओरिया होंगे. तो इस तरीके से इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि ये एक अलग ग्रुप बन जाएगा और ये अलग ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप फेवरेटिज्म डेवलप होना शुरू हो जाएगा. ग्रुप फेवरेटिज्म क्या होता है कि हम अपने ग्रुप के लोगों को ही सिर्फ पसंद करते हैं, दूसरे अपने ग्रुप से बाहर के लोगों के लिए हम कुछ भी अच्छा नहीं सोचते. तो ग्रुप फेवरेटिज्म हो जाएगा और बाहर के लोगों से, मतलब कि आउट ग्रुप जो है, बाहर के लोग का मतलब है जो नॉन ओडिया हैं, जो आउट ग्रुप लोग हैं, उनसे कांटेक्ट इनका कम हो जाएगा. फिर क्या होगा कि ये एक अलग ग्रुप बन जाएगा और ये वाला एक अलग ग्रुप बन जाएगा, दो ग्रुप हो जाएंगे. इसको वो अपने आप को इन ग्रुप वाले मेंबर्स बोलेंगे और इस ग्रुप के लोगों को बोलेंगे आउट ग्रुप, जबकि ये इसी के अंदर आना चाहिए वैसे तो, पर फिर भी ये अलग हो जाएगा. फिर प्रिजुडिस डेवलप होना शुरू हो जाता है. प्रिजुडिस अबाउट आउट ग्रुप बिकम स्ट्रांग. धीरे धीरे सबके अंदर वो फीलिंग आने शुरू हो जाती है कि वो हमारे ग्रुप के नहीं हैं. दिस स्मॉल ग्रुप इन्फ्लुएंस अदर ओडिया पीपल सो दैट ग्रुप बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लुक्स एट अदर कम्युनिटीज विद डिसडेन. अब ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स हो जाएंगे जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेटरेट से देखेंगे, और फिर उनके बारे में रूमर्स फैलेंगे, फॉल्स एट्रीब्यूशंस फैलेंगे और गलत बातें फैलेंगी, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट होता है एक दूसरे से. अब जैसे कुछ बातें यहाँ इन्होंने बताई हुई हैं जो दूसरे ग्रुप के बारे में लोग रूमर्स फैलाते हैं, जैसे कि बिहारी इमिग्रेंट्स आर स्पॉइलिंग आर इकोनॉमी, मारवाड़ीज आर डोमिनेटिंग आर बिजनेस, बंगालीज आर सेल्फिश एंड मीन. इस तरह की बातें जो हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं फिर जब ये आउट ग्रुप और इन ग्रुप बनने शुरू हो जाते हैं. और ये बातें धीरे धीरे क्या होता है, ये चलती रहती हैं, सालों साल चलती रहती है, और हमारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है कि ये सच में होता है. अगला स्टेप क्या होता है, दोनों के बीच में टेंशन होनी शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो बातें बढ़ती जाती हैं तो प्रिजुडिस और ज़्यादा बढ़ता जाता है. फिर वो डिस्क्रिमिनेशन की तरह नज़र आने लगता है हमारे बिहेवियर में, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वॉयलेंस हो जाता है, तो वो जो इंटर ग्रुप टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और कॉन्फ्लिक्ट एक बार हो गया तो वो वाली आइडेंटिटी और स्ट्रांग हो जाती है. अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो वो आइडेंटिटी और स्ट्रांग हो जाती है, अपनी अलग अलग जो आइडेंटिटी उन्होंने बना ली होती है. अब जैसे ये सिख कम्युनिटी का बोल रहे हैं कि वैसे तो वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही आती है सिख कम्युनिटी, लेकिन 1970 और 1980 में जो राइट्स वगैरह हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी सिक्स की एक अलग स्ट्रांग आइडेंटिटी अलग से बन गई. तो ये यही होता है, फिर अलग आइडेंटिटी बन जाती है और वो यूनिटी वाली फीलिंग धीरे धीरे फिर ख़त्म होना शुरू हो जाती है, अगर हम अपने आप को जो है लैंग्वेज के या कास्ट के बेस पे देख के रैदर देन एक नेशन के बेस पे देखें. तो इसको इन्होंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाया हुआ है कि नॉन नेशनल आइडेंटिटी अगर हम करते हैं तो क्या होता है, ग्रुप फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, ग्रुप बन जाते हैं छोटे छोटे अलग अलग रिलीजन के बेस पे, क्योंकि हम यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी नहीं देख रहे हैं, नॉन नेशनल देख रहे हैं. फिर वो छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं तो आपस में इन ग्रुप फेवरेटिज्म हो जाता है और आउट ग्रुप के साथ प्रिजुडिस होना शुरू हो जाता है. फिर प्रिजुडिस, स्टीरियोटाइप, इस तरह की चीज़ें होती हैं दूसरे ग्रुप के साथ, और फिर फाइनली कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये आइडेंटिटी और स्ट्रांग हो जाती है कि मैं उड़िया हूँ, मैं असामी हूँ, मैं बंगाली हूँ, ये सारी चीज़ें बातें होनी शुरू हो जाती हैं. फिर है नेचर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रिजुडिस, कि प्रिजुडिस फिर किस तरीके से होता है. तो पहले तो यहाँ पे बैरन एंड ब्रायन ने बताया है कि प्रिजुडिस होता है क्या है, इट इज़ एन एटीट्यूड, यूजुअली नेगेटिव. प्रिजुडिस हमेशा नेगेटिव वर्ड की तरह यूज़ किया जाता है, और ये दूसरे ग्रुप मेंबर्स की तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप के मेंबर होते हैं, हमारे ग्रुप के नहीं होते, इसीलिए वो एटीट्यूड नेगेटिव होता है. और वही एटीट्यूड हमारी थिंकिंग में, हमारी फीलिंग में, इन सब चीज़ों में जब नज़र आने लगता है, हम उनके बारे में नेगेटिव फील करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो वो एटीट्यूड जो है वो सोशल एटीट्यूड बन जाता है. एन एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशली सिग्निफिकेंट मटीरियल इज कॉल्ड सोशल एटीट्यूड. सोशल एटीट्यूड्स आर इंडिविजुअल एटीट्यूड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोशल ऑब्जेक्ट्स. तो ये सोशल एटीट्यूड बन जाता है, जो प्रिजुडिस होता है हमारा एटीट्यूड में नज़र आने लगता है. Now Venkata Subramaniam explains that
When individual attitudes become stronger, interconditioned by collective contacts, they become highly standardized and uniform within the group. They become collective attitude. अब मान लो आपका खुद का एक एटीट्यूड है कि दूसरे रिलीजन के लोगों को आप पसंद नहीं करते, इस तरह के आपको बहुत सारे लोग मिले हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, धीरे धीरे आपका कांटेक्ट बढ़ता जाएगा ऐसे लोगों से, फिर और लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और क्या होगा, एक कलेक्टिव एटीट्यूड बन जाएगा, एक पूरा कलेक्टिव एटीट्यूड बन जाएगा जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को हेट करता होगा, तो धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाता है. सो नेचर ऑफ प्रिजुडिस क्या है? प्रिजुडिस इज अ टाइप ऑफ एटीट्यूड और इसके अंदर थ्री कॉम्पोनेंट्स आते हैं. एक कॉम्पोनेंट, इसको ए बी सी भी बोलते हैं, ए से होता है अफेक्टिव, बी से होता है बिहेवियर और सी से होता है कॉग्निटिव. ए बी सी बोलते हैं. तो कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट का मतलब है स्टीरियोटाइपिंग, जो हमारे अंदर बिलीफ होते हैं दूसरे ग्रुप के लोगों को लेके, और वो यूजुअली इरेशनल बिलीफ होते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, सुनी सुनाई बातें होती हैं और वो बिलीफ हम दूसरों को भी बताते रहते हैं, आगे पास ऑन करते रहते हैं. एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया है, सपोज़ आप एक हॉस्टल में रहते हो और वहाँ पे एक बंगाली स्टूडेंट रहता है और वो बड़ा अनटाइडी से रहता है हॉस्टल में, तो आप एक जजमेंट पास कर देते हो उसको देख के कि बंगालीज अनटाइडी होते हैं. अब आपने एक स्टूडेंट को देख के बोल दिया कि पूरे बंगालीज ही अनटाइडी होते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका बिलीफ स्प्रेड हो जाएगा और स्टीरियोटाइप बन जाएगा जो कि इरेशनल है क्योंकि आपने एक ही को देखा है, सबको नहीं देखा. ऐसे ही अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या होता है, एक हॉस्टिलिटी की फीलिंग होती है. फीलिंग अफेक्टिव का मतलब इमोशन होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है हॉस्टिलिटी की दूसरे ग्रुप की तरफ. इसमें रेसिज्म, कास्टिज्म, सेक्सिज्म, इस तरह की फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं अपनी कास्ट के लोगों के लिए, दूसरे कास्ट के लोगों के लिए. तो पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं. कॉग्निटिव कंपोनेंट कैन बी चेंज रिलेटिवली इजीली बाय शोइंग दैट मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डोंट कन्फर्म टू स्टीरियोटाइप, बट इट इज़ टफ टू चेंज अफेक्टिव कंपोनेंट. अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोली गई है कि कॉग्निटिव कंपोनेंट तो आप फिर भी चेंज कर सकते हो किसी का, जैसे सपोज जिसने बोला कि बंगालीज आर अनटाइडी, उसको हम दो तीन ऐसे बंगाली दिखाते हैं जिनका घर बहुत साफ है, तो उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट चेंज हो जाएगा. लेकिन अगर किसी के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग है किसी के लिए, तो वो चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. फिर आता है बिहेवियर कंपोनेंट, की ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में कैसे दिखने शुरू हो जाती हैं, जब हम प्रिजुडिस को डिस्क्रिमिनेशन में चेंज कर देते हैं, जो वो हमारे बिहेवियर में नज़र आती है, और वो बिहेवियर कंपोनेंट दूसरे ग्रुप की तरफ होता है, जनरली नेगेटिव होता है. तो ऑलपोर्ट क्या बोल रहे हैं, ऑलपोर्ट कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रिजुडिस इन बिहेवियर टूवर्ड्स एन आउट ग्रुप वेरीज फ्रॉम माइनर टू मेजर फॉर्म. He has talked about five stages in the continuum from minor behavior discrimination to major. तो ऑलपोर्ट यह कह रहे हैं कि जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो हम दूसरों के लिए गलत बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग की वजह से या प्रिजुडिस की वजह से, वो माइनर से मेजर तक जा सकता है, माइनर डिस्क्रिमिनेशन से मेजर तक जा सकता है. वो जाता है तो उसके पांच स्टेजेस होते हैं, तो धीरे धीरे वो एक एक स्टेज से पास होता है, मेजर तक जाता है. तो पहली स्टेज क्या होती है, एंटीलोक्यूशन. सो एंटीलोक्यूशन, दिस रेफर्स टू हॉस्टाइल टॉक, जब आप किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हो, वर्बली उसके बारे में मजाक उड़ाना, उसकी बेइज्जती करना किसी दूसरे ग्रुप मेंबर्स की, जैसे अपर कास्ट जो है इंडिया में लोअर कास्ट के लिए बहुत नेगेटिव बातें करती हैं, उनका मजाक उड़ाती हैं, बेइज्जती करती हैं, तो वो हो गई पहली स्टेज जो माइनर स्टेज है. फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, अवॉइडेंस पे आती है. अवॉइडेंस का मतलब जब आप उनसे डिस्टेंस बना के रहते हो, दूर रहते हो, तो आप अपने किसी पर्टिकुलर कास्ट के पर्सन से अपने स्कूल में या क्लास में कॉलेज में दूर बैठना पसंद करते हो, अपने ऑफिस में आप उसके साथ अपना खाना शेयर नहीं करते, आप उसको अवॉइड करते हो, तो वो अवॉइडेंस में आ जाता है. ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड पॉइंट. फिर जब थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो ये डिस्क्रिमिनेशन में नज़र आता है. अब इसमें आप एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करते हो कि आप उन्हें लाइक नहीं करते, आप इसमें चुप चुप होकर अवॉइड नहीं करते हो कि आपने चुपचाप वहाँ से निकल ले और उसको पता नहीं चला, ऐसा नहीं है. आप इसमें खुलेआम उनको दिखाते हो कि आप उन्हें पसंद नहीं करते. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि मैनी पंजाबी लैंडलॉर्ड्स ऑफ राजिंदर नगर इन दिल्ली हैव सीवियर प्रिजुडिस अगेंस्ट बिहारीज.
सो वेन बिहारी स्टूडेंट केम टू कम टू राजेंद्र नगर टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज दे फाइंड इट टफ टू गेट रूम्स ऑन रेंट बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, बिकॉज हो सकता है कि इनको भी इस तरह का कुछ फेस करना पड़ा हो जिन्होंने ये बुक लिखी है, कि जब ये दिल्ली में जो लोग आते हैं तैयारी करने सिविल सर्विस, बिहार से जो बच्चे आते हैं सिविल सर्विसेज की, तो दिल्ली में जगह है राजेंद्र नगर, वहाँ पे इनको वो नहीं मिलता रेंट पे, रूम नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इनके अगेंस्ट। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट आई एम प्रिजुडिस दैट पंजाबी लैंडलॉर्ड, और ये कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, कि ये भी तो हो सकता है कि मेरे मन में उनके अगेंस्ट प्रिजुडिस है कि उन लोगों ने मुझे रूम नहीं दिया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोग ऐसे हैं। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है कि हमारे मन की मन में उनके लिए प्रिजुडिस हो या उनके मन में हमारे लिए प्रिजुडिस, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमें बिहेवियर में नजर आने लगती है। फिर जब और पढ़ना शुरू हो जाता है, मेजर हो जाता है, तो फिजिकल अटैक होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको रायट्स जैसी चीज़ें नजर आती हैं, वायलेंस अगेंस्ट दलित्स हो गया, तो नेटिविज्म हो गया, तो अपने देश के लिए कर रहे हैं ये वो, उस तरह की चीज़ें हो जाती है। टेक द केस ऑफ एंटी नॉर्थ इंडियन वायलेंस इन मुंबई, तो वो इस तरह के जो केसेस हैं फिर वो आपको न्यूज़ में दिखते हैं, फिजिकल अटैक होने लगता है जब। और लास्ट में होता है एक्सटर्मिनेशन, मतलब कि या तो उस ग्रुप को कंट्री से ही बाहर निकाल दिया जाए या फिर उनको टर्मिनेट कर दिया जाए किसी तरीके से, मतलब ऐसा कर दिया जाता है कि एक ग्रुप बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता है। अब कहीं पे तो जैसे वो होता है ना किंग और क्वींस का रूल होता है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इंडिया में कह रहे हैं कि क्योंकि डेमोक्रेसी है तो इतना ज़्यादा ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं प्रिजुडिस, माइनर से मेजर तक जाते हैं। कॉजल फैक्टर्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रिजुडिस, अब ये होता क्यों है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट और प्रिजुडिस क्यों होता है, क्या कॉजल फैक्टर्स हैं इसके, क्या कॉजेज हैं इसके, तो इसमें मल्टीपल कॉजेज के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल कॉज, चार टाइप के कॉजेज हैं। सो यू मस्ट बियर इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रिजुडिस। तो प्रिजुडिस क्या होता है, प्रिजुडिस इज बोथ द कॉज एंड द इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्रिजुडिस होता है एंड प्रिजुडिस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो प्रिजुडिस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता भी है और उसी की वजह से प्रिजुडिस और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ब्रॉडली थ्री थ्योरीज, अब इसमें तीन थ्योरीज के बारे में आगे बात करेंगे, थ्योरीज दैट सर्च फॉर कॉजैलिटी, जो बता रहे हैं कि क्यों होती है ये सब चीज़ें। द फर्स्ट सेट ऑफ थ्योरीज इज डोमिनेटेड बाय साइको एनालिस्ट लाइक एडॉर्नो, कक्कर एंड डॉलर। तो पहला जो थ्योरीज का सेट है वो साइको एनालिस्ट का है। हाउएवर दिस थ्योरीज हैव इंक्रीजिंगली कम अंडर क्रिटिसिज्म। तो अब यहाँ पे जो बात करेंगे थ्योरी की, उसमें सबसे पहले पर्सनालिटी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पर्सनालिटी फैक्टर्स में कह रहे हैं कि कुछ लोगों के अंदर बेसिक ट्रेट्स ही ऐसे होते हैं कि वो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं। तो साइको एनालिस्ट अप्रोच है, तो ये बेसिकली वो इस बारे में फोकस करेंगे कि बचपन में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा चाइल्डहुड में। साइको एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे लोग बिहेव करते हैं, तो ये थ्योरी उसी चीज़ के ऊपर फोकस करेगी। अब जैसे ओडोर्नो एंड हिज कोलीग सेट आउट टू फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन इन नाजी जर्मनी इन द 1940s। तो यहाँ पे क्या किया था, लोगों के इंटरव्यूज दिए थे टू फाइंड आउट पॉलिटिकल व्यूज एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, और उनके इंटरव्यूज लिए थे, प्रोजेक्टिव टेस्ट का यूज़ किया था, TAT थीमेटिक के परसेप्शन टेस्ट का यूज़ किया था, ताकि उनके अनकॉन्शियस फीलिंग्स के बारे में जान सके जूश ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने वही साइको एनालिसिस की टेक्निक्स यूज़ की थी जर्मनी के, नाजी जर्मनी के लोगों के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे क्या था, जूश लोगों के साथ इनका बड़ा ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इन्होंने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस उन लोगों के जानने की कोशिश की और थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट का यूज़ किया, इंटरव्यू का यूज़ किया, फिर इनको क्या मतलब क्या मिला, उनको क्या चीज़ उन्होंने देखी जब उन्होंने इंटरव्यू लिया इन लोगों का। तो उन्होंने बोला कि कुछ उसमें ऐसे थे जिनको बचपन में ना, जिनके पेरेंट्स बहुत अथॉरिटेरियन थे, बड़े स्ट्रिक्ट वाले थे, जो कभी सुनते नहीं है बच्चों की और डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व नहीं करते, उस टाइप के पेरेंट्स थे। और वो उनकी उन पेरेंट्स की वजह से जो बच्चे थे उनका अपना जो गुस्सा था अपने फादर की तरफ
अनकॉन्शियसली फादर की तरफ का गुस्सा वो किस पे उतारते थे? दूसरे ग्रुप के लोगों पे उतारते थे। सो अनेबल टू रिजॉल्व द कॉन्शियस एडुलेशन एंड अनकॉन्शियस हॉस्टिलिटी दे प्रोजेक्ट देयर हॉस्टिलिटी ऑन टू माइनॉरिटी ग्रुप। तो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स की वजह से जो उनके बच्चों के अंदर जो गुस्सा था अपने पेरेंट्स की तरफ, वो माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर निकाला जाता था। तो ये इन्होंने साइको एनालिस थ्योरी के बेस पे बोला है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से लोग ऐसे करते हैं। फिर सुधीर कक्कड़ का क्या कहना है कि ही हैज़ प्रपोज अनदर डायमेंशन ऑफ साइको एनालिटिक ट्रेडिशन। वाइल कंसिडरिंग एथनिक वायलेंस इन इंडिया ही ऑब्जर्व दैट ग्रुप आइडेंटिटीज फुलफिल सम साइकोलॉजिकल फंक्शंस। तो इन्होंने इंडिया की एथनिक वायलेंस के ऊपर काम किया था और ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो हम ग्रुप आइडेंटिटी बनाते हैं कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं, वो एक तरीके से ना साइकोलॉजिकल फंक्शन को फुलफिल करती है। वो कैसे करती है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने ये इस चीज़ से शुरू किया है कि हमारे अंदर एक गुड सेल्फ और बैड सेल्फ होता है। हम सबके अंदर एक गुड पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, गुड सेल्फ और बैड सेल्फ होता है। जो साइकोलॉजिकली हेल्दी लोग होते हैं वो तो ये गुड और बैड को ना सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लेते हैं। सक्सेसफुली इंटीग्रेट का मतलब ये जो वो लोग होते हैं जो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने आप से, अपने अपने शॉर्टकमिंग्स के बारे में सोचते हैं, अपने आप को अपनी शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे अंदर क्या चीज़ की कमी है, हम कहाँ गलत हैं, हमें कैसे ठीक होना है। तो जो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं अपने आप के साथ वो तो इस गुड और बैड को बैलेंस कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, साइकोलॉजिकली हेल्दी नहीं हो, तो आपका गुड और बैड ना आपस में बैलेंस नहीं हो पाता, इंटीग्रेट नहीं हो पाता। आप एंग्शियस रहते हो हमेशा और जो बैड वाला सेल्फ है वो ऊपर आ जाता है, सामने आ जाता है। सो कक्कड़ स्टेट्स टू दैट टू इंक्रीज अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग द नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी सप्रेसेस द बैड सेल्फ इनटू द अनकॉन्शियस। अब दूसरों को आप दिखाने के लिए कि आपके अंदर सिर्फ गुड है, बैड है ही नहीं, तो क्या करते हो, बैड सेल्फ को ना अनकॉन्शियस में सप्रेस कर देते हो, दबा देते हो और दूसरों को ये प्रोजेक्ट करते हो कि हम बहुत अच्छे हैं। सो शी प्लेसेस हर ग्रुप एट द सेंटर ऑफ अ यूनिवर्स एंड प्रोजेक्ट्स द बैड सेल्फ ऑन अदर्स। तो अपने ग्रुप में तो गुड सेल्फ दिखाते हो लेकिन जो आउट ग्रुप के लोग हैं उनको बैड सेल्फ दिखाते हो। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप बैड सेल्फ को दबाने की कोशिश करते हो लेकिन कहीं ना कहीं तो वो निकल के आएगा ही। तो अपने ग्रुप के मेंबर को तो आप सिर्फ अपना गुड सेल्फ दिखाते हो लेकिन बैलेंस तो करना ही होता है। तो उस केस में क्या होता है, आपका बैड सेल्फ जो है वो अब दूसरे ग्रुप के मेंबर्स पर नजर आता है। और ये नार्सिसिस्ट्स क्या होती है थिंकिंग, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी मतलब कि अपने आप को हमेशा बेस्ट दिखाना। सो व्हाई डज अ पर्सन बिकम नार्सिसिस्टिक? कक्कड़ एक्सप्लेन्स दैट इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफन पेरेंट्स नर्चर नार्सिसिज्म। तो पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चों में नार्सिसिज्म डेवलप करते हैं। जैसे पेरेंट्स को देखा होगा हमेशा अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये सब समय हमारा बच्चा सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है। वो वाली फीलिंग फिर जब डेवलप होना शुरू हो जाती है तो वो नार्सिसिस्ट बन जाते हैं बच्चे। अभी आपसे पूछ रहे हैं, हैव योर पेरेंट्स एवर टोल्ड यू दैट पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 हैपेंड बिकॉज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स? नो, दे से जिन्ना वॉज सोल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन। जैसे पेरेंट्स भी ना बच्चों को थोड़ा सा बायस होके चीजें बताते हैं, वो क्लियर नहीं बताते। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि पेरेंट्स ने कभी आपको ये बोला है कि कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से पार्टीशन हुआ, वो सीधा ये बोलते हैं कि जिन्ना की वजह से पार्टीशन हुआ। या फिर कभी उन्होंने ये बोला है कि हैव योर पेरेंट्स टोल्ड यू अबाउट हिंदूज हैव किल्ड मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब जो हिंदू पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कभी ये चीज़ नहीं बताते कि हिंदू लोगों ने एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, बहुत ऐसे लोगों को मारा हुआ है। जब भी राइट्स होते थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को मार देते थे। तो इस तरह की चीज़ें पेरेंट्स कभी नहीं बताते, वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसी चीज़ें बताते हैं अपने ग्रुप के बारे में। अब जैसे ये हिंदू का एग्जांपल ले रहे हैं अगर, तो हिंदू पेरेंट्स हमेशा हिंदू रिलीजन के बारे में अच्छी चीज़ें ही बताते हैं।
कभी भी न्यूट्रल होके नहीं बताते कि दोनों चीज़ें बताई जाए कि मतलब हिंदू कम्युनिटी ने गलत चीज़ें भी करी हैं और अच्छी चीज़ें भी करी हैं। दोनों चीज़ें बताएंगे तो क्या होगा, बच्चा जज कर पाएगा कि क्या अच्छा है और क्या खराब है। लेकिन मोस्टली पेरेंट्स दूसरे को बुरा दिखाते हैं और अपनी कम्युनिटी को अच्छा बना के दिखाते हैं। उससे क्या होता है, उससे वही नार्सिसिज्म डेवलप होता है बच्चों के अंदर कि हम बेस्ट हैं। सो मोस्ट पेरेंट्स आर आइदर न्यूट्रल और सिंपथेटिक टू राइटियस टेरर ऑर्गेनाइजेशन दैट किल इनोसेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ हिंदुत्व। दिस रीइंफोर्सेस द परसेप्शन इन हिंदू चिल्ड्रन दैट हिंदूज आर गुड। अब अगर बताते भी है ना पेरेंट्स, तो वो क्या बोलते हैं कि हिंदू वुमेन को टेररिस्ट ने मार दिया, वो टेररिस्ट मुस्लिम थे उन्होंने हिंदुओं को मार दिया। इस तरह की बातें बच्चों के सामने करी जाती है। अब टेररिज्म को भी रिलीजन से जोड़ के बोला जाता है। उस वजह से क्या होता है कि बच्चों के अंदर ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती जाती है कि हिंदूज अच्छे हैं और बाकी सब खराब हैं, और फिर उनके अंदर वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। व्हाइल द फैक्ट दैट हिंदू राइटर्स हैव डन डास्टार्डली एक्ट्स लाइक रेप प्रेग्नेंट वुमेन बर्न चिल्ड्रन टू दैट इज नॉट फोकस। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के सामने नहीं पेरेंट्स डिस्कस करते कि हिंदू जो राइटर्स थे उन्होंने भी बहुत ख़राब काम किए थे वुमेन के साथ, तो वो सब चीज़ें बच्चों को नहीं बताते हैं। अब बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो पेरेंट्स क्योंकि उनको सिर्फ इस तरह की चीज़ें बताते हैं और जो अच्छी हैं, और उससे उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हमारा जो ग्रुप है या हमारा जो कम्युनिटी है वो सबसे अच्छा है, बेस्ट है, दूसरी कम्युनिटी के लोग टेररिस्ट हैं या वो लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम उन लोगों के साथ अपनी जो कोई भी चीज़ है शेयर नहीं करेंगे, उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे और कह रहे हैं कि बोथ हिंदू ग्रुप एंड मुस्लिम ग्रुप हैव गुड एंड बैड करेक्टर, कि वैसे अगर लॉजिकली देखो तो हिंदू में भी और मुस्लिम में भी दोनों में ही गुड और बैड करेक्टर्स होते हैं। हर ग्रुप में बैड करेक्टर्स भी होते हैं, गुड करेक्टर्स भी होते हैं। इन एवरी ग्रुप देयर आर पीपल विद एक्सट्रीमिस्ट व्यूज एंड एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज़, सो ऑल्सो पीपल विद रैशनल। और ऐसे ही ग्रुप में ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब बिल्कुल ही पॉजिटिव सोचना या बिल्कुल ही नेगेटिव सोचना। और रैशनल लोग भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी, अब जो यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रही थी इसमें कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते होंगे जो गिने चुने ही होते होंगे, जो एकदम मतलब न्यूट्रल होके बताते होंगे। वो दोनों चीज़ें अपने बच्चों को बताते होंगे कि ऐसा भी किया था और ऐसा भी हुआ था। तो ये नहीं कह सकते कि 100% सारे ही लोग खराब हैं या सारे ही लोग अच्छे हैं। सारे ग्रुप्स में दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको। बट ड्यूरिंग सोशलाइजेशन वी आर टॉट दैट आर्स इज अ गुड ग्रुप। तो गलती कहाँ हो जाती है, जब सोशलाइजेशन में हमें ये सिखाया जाता है कि सिर्फ हमारा ही ग्रुप अच्छा है और हमारे ही ग्रुप के साथ बुरा हुआ है। तो ये चीज़ गलत इफेक्ट डालती है बच्चों के ऊपर। नॉट ओनली पेरेंट्स ग्रुप मिथ ऑल्सो नर्चर नार्सिसिज्म। अब यहाँ पे कुछ ग्रुप मिथ के बारे में बात कर रहे हैं। मिथ होती है कुछ ऐसी बातें जो सच नहीं होती, और वो भी कई बार ही नार्सिसिज्म को बहुत बढ़ावा देती है। अब एग्जांपल इन्होंने एक दिया हुआ है, पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन राणा प्रताप एंड एम्परर अकबर वाज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल आफ्टर ऑल बिटवीन द ग्रीड्स ऑफ पॉलिटिकल इलाइट्स, बट व्हेन एनीवन नरेट्स द स्टोरी मिथ्स आर नरेटेड। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि राणा प्रताप और एम्परर अकबर थे जो, उनके बीच में पॉलिटिकल स्ट्रगल था, आपस में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में। लेकिन जब ये चीज़ आगे पास ऑन होती है, ये कहानी आगे सुनाई जाती है, तो उसमें किस तरह बोला जाता है कि हिंदू राणा के और इंपीरियल मुस्लिम रूलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को इंक्लूड कर दिया जाता है स्टोरी में। तो बच्चों को ये स्टोरी पॉलिटिकल स्ट्रगल के ऊपर फोकस ना करके रिलीजियन स्ट्रगल के ऊपर फोकस करके सुनाई जाती है। तो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का जो डिफरेंस है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वहीं से फिर इन ग्रुप आउट ग्रुप प्रिजुडिस स्टीरियोटाइप इस तरह की चीज़ें स्टार्ट होती हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, अभी आगे भी इसमें इस चीज़ के बारे में बात करी हुई है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।